Union government has all set to roll out its interim budget on February 1, 2019. Last year, people had a lot of expectations and the government was able to fulfill them, but people also had complaints. This year, we have come out to find out what expectations people have this time from the government. So, sir, आपको क्या लगता है इस बार जो बजट आएगा उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी बजट से इस बार? देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा बजट के सिलसिले में कि देखो, मोदी सरकार ने जो बजट के ऊपर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जैसा हर चीज जनता के हित में होनी चाहिए. तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो भी बजट हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, वो जनता के हित में होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. हम ये चाहते हैं जीएसटी कम होना चाहिए. ये ग्राहक पर, दुकानदार पर, सब पे एक बोझ की तरह है. इसका पैसा उल्ट पुल जगह पे खर्च किया जा रहा है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है. और इनकम टैक्स के मामले में जो सुनाई दे रहा है कि पिछले साल 2.5 लाख की छूट थी उसको 5 किया जा रहा है, तो उससे सबको राहत मिलेगी, गरीब को भी, मीडियम टैक्स को भी और अमीर को भी. तो इसमें और मतलब टैक्स के मामले में और होना चाहिए. एक गाड़ियां, ये बोल टैक्स के मामले में गाड़ियां बहुत छोड़ रहे हैं जिससे बाजार में सारी दिल्ली के अंदर पार्किंग के ऊपर बहुत समस्या हो रही है, रोज झगड़े होते हैं. इनको सबसे पहले लगाम लगानी चाहिए कि गाड़ियां निकालनी बंद कर दें. टैक्स तो बढ़ती जा रही है, महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता है, पर इनका कार्यकलाप नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से करेंगे और विकास के क्या है, हम लोग के समझ में नहीं आता है. पहले बताए थे कि मैं मोहल्ला समिति बनाऊंगा और मोहल्ला समिति के बारे में सबको जानकारी होगा, सबसे राय लेंगे. ये राय इनकी कहाँ चली गई है, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है. आगे ये क्या करेंगे, ये अपने समझ से काम करें, हमारा क्या करना है. हम लोग गरीब आदमी हैं, हम तो जैसे भी जी रहे हैं अच्छा है. लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीजों पे इनको महंगाई घटानी चाहिए? आपको लगता है कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है? देखिए, महंगाई तो कोई नहीं घटा सकता है. ये तो जो महंगाई बढ़ गई है उसको नीचे लाने में तो कोई सफलता पा नहीं सकता है, पर इसके जो स्कीम है इसको सही तरीके से लाएं तो लोगों को राहत मिल सकती है. तो आपको लगता है अभी सरकार स्कीम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करती है? तो अभी तो किसी को राहत नहीं मिल रही है. अभी तो क्या है कि अपना ये जो बोलते जाते हैं वो सब हम लोग समझते हैं, पर हम लोग को जो है डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट भेजेंगे तो किसी को सुविधा मिल नहीं पाएगी. जब डायरेक्टली काम शिक्षा के प्रति एजुकेशन जो है उसमें थोड़ी सी बजट इससे उम्मीद है कि थोड़ा अच्छा हो, और मेडिकल में दवाइयां और हॉस्पिटल की फीस इसमें थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए. यही आम आदमी यही चाहता है. और बाकी राशन वगैरह का है तो उसमें थोड़ी उम्मीद है कि इसमें कटौती होनी चाहिए. महंगाई एक आम आदमी के बजट के अनुसार होनी चाहिए. अगर 7-8 हजार रुपये की सैलरी करने वाला इस टाइम बहुत मुश्किल से अपना बजट चला रहा है. करना चाहिए? नहीं, सरकार वैसे तो बहुत कुछ कर रही है. जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, उससे हम काफी सेटिस्फाई हैं. जैसे कि पहले ये जीएसटी आया तो हम समझ नहीं पाए थे कि जीएसटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो हम समझते जा रहे हैं कि जीएसटी क्या है, कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ पे है. लेकिन कई जगह पे कुछ नहीं समझ में आता. जैसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि जीएसटी के नाम पे हमें लूट लेते हैं, कि जैसे कि कोई बिल वगैरह तो देते नहीं है कि हमें कि हमारा जीएसटी कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा. हम ये सोचते हैं कि हम जो भी टैक्स पे करें, जो कुछ भी करें, वो हमारे मतलब हमारी सरकार के पास जाना चाहिए, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई चीज कैसे जा रही है. अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस तरह से वैसे ही कमाई भी बढ़ रही है, कि इधर उधर से लोगों की सैलरी है और है, हर तरह से इंक्रीज हो रहा है. जैसे कि पहले अगर महंगाई कम थी तो लोगों की इनकम भी कम थी, तो लेकिन अब क्या है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, जैसे जैसे महंगाई का. लेकिन उसमें कुछ टाइम लग जाता है वो बात. आई एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्स रेट्स ऑन जीएसटी रेट फ्रॉम ऑन ऑटोमोबाइल, बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स एंड दे ऑल्सो इंक्रीज इट. दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट टू इंक्रीज मोर एंड मोर सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. आई एक्सपेक्ट दे शुड रिड्यूस इन द करंट बजट एज दिस इज द इलेक्शन ईयर एंड दिस वुड हेल्प देम टू विन वोट्स.